वेलकम बैक टू माय चैनल. आज इट्स टी माइनस वन टू द ट्रैवल डे एंड फाइनली वी आर ट्रैवलिंग. इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग डे फॉर मी एंड मोस्ट स्ट्रेसफुल डे फॉर गौरव आई थिंक. बट आज का दिन इज ऑल अबाउट जगलिंग वर्क एंड द ट्रैवल प्रेप. सो वी आर जस्ट एक्चुअली हेडिंग आउट फॉर सम शॉपिंग फॉर द ट्रिप. And then we're just gonna get back. But yes, stay tuned. We'll pack, we'll work, and we'll get tired together. Bye. This thing is getting UV sanitized. ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, मतलब पैकेट के अंदर पैकेट के अंदर पैकेट, बैग के अंदर बैग के अंदर बैग, एंड देन यू सी माय पैकिंग. जी सब कुछ बस डाला हुआ रहेगा अंदर, बिकॉज ही इज नेवर बॉट मी दीज. उसने खुद के लिए मस्त लेके रख लिया और मेरे लिए कभी नहीं खरीदा. और हम सामान के साथ रेडी आफ्टर आवर्स ऑफ पैकिंग एंड आवर्स ऑफ मशक्कत विद आवर स्टे टुमारो. मतलब ये मैंने अपने ट्रैवल वीडियोस अपलोड नहीं किया, वरना पीपल वुड नो दैट इफ आई एम ट्रैवलिंग समथिंग हैज टू गो रॉन्ग. इट्स नॉट द टाइम. सो व्हाट हैपेंड इज, हम लोग ने जिस जगह से ट्राई बुकिंग किया वो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला बंदा अलग है. सो दिस इज लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग देयर मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड देन प्रॉपर्टी के बंदे अलग है. एंड हम लोग ने ऑनलाइन बुक किया एंड द प्रॉपर्टी गाय बुक्ड इट फॉर द अदर बिगर ग्रुप फॉर द सेम डेज. एंड अब हमारा एक फ्रेंड ऑलरेडी जा वहाँ पे है, आज पहुँच गया. एंड ही सेड लाइक कि द प्रॉपर्टी गाय इज़ लाइक यू विल हैव टू चेक आउट ऑन लाइक संडे बिकॉज हमारा तो बुकिंग है और तुमने जिनसे ऑनलाइन बुकिंग किया है जस्ट लाइक डील विद देम. एंड वी बीन ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम एंड यू शुड कंसिडर जस्ट लाइक ट्राइंग टू रिकनसाइल विथ योर प्रॉपर्टी गाय व्हाटएवर. बट वो तो चल ही नहीं रहा ना, उसको तो मतलब सुनना ही नहीं है वो लोगों को. और आई डोंट नो, पता नहीं गौरव कितने टाइम से कितने घंटों से उनके साथ फ़ोन पे है बट कुछ नहीं हुआ. अब वो लोग के पास और प्रॉपर्टीज है बट दूसरे बीचेस पे एंड शायद अब दिल जस्ट लाइक शिफ्ट अस वो प्रॉपर्टीज़ में. इट इज़ सो अनप्रोफेशनल एंड सो इरिटेटिंग. तो वो लोग कल तो अपने को रहने देंगे कि कल ही अपन चेकआउट करेंगे? कल चेकिंग वापस 14 को चेकआउट करके वहाँ जाने का. टायरिंग, शाम से पैकिंग और यही चीज़ में लगे हुए हैं. एंड अभी वी हैव टू leave at 1:10:30 हो रहे हैं. 5:30 का फ्लाइट है बट हमने सोचा जल्दी जाके बैठ जाते बिकॉज वी डोंट नो वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल या क्या एक्चुअली होगा. सो हम जल्दी ही जा रहे हैं, बस ये थोड़े टाइम बस. Thank you.
मिला 861 C1 to C14 चल रहा है। We're at the airport और हम exactly एक साल पहले यहीं पे थे with very same situation। चलो कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मास्क पहने चलते रहो। इस बार वी जस्ट हैव लाइक बेटर लुकिंग मास्क्स, दैट्स द ऑप्शन। बड़े बजे और सैनिटाइज करते रहो। हाँ, द वर्स्ट थिंग अबाउट मॉर्निंग फ्लाइट्स इज तुम्हारा पूरा रात वेस्ट होता है। एंड मैं नहीं सो रही थी इसने मुझे ज़बरदस्त सुलाया। एंड नाउ आई एम ऑल क्रैंकी, टायर्ड, इरिटेटेड एंड हंग्री। जब तक हमारा ये चेक इन होना बाकी है, टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो हो जाता है विल गो इन एंड हैव सम फूड। भीड़ काफ़ी कम है ना? लास्ट टाइम ऊपर आए थे तब अच्छा खासा भरा हुआ था एयरपोर्ट। People are still traveling full force में। Last time मतलब एक साल पहले था। उसके बाद कहाँ अपन एयरपोर्ट आए हैं? एक साल के बाद ही है। सब तो बंद है। I'm really hungry। कहाँ लग गया तेरे को बर्गर किंग? To settle for extremely expensive sandwiches क्योंकि सब्वे चालू नहीं है। ना लोग कॉफी पे क्यों जाते हैं डेट पे? जब ठंडी नहीं होती तो एक घंटे तक इंसान बेचारा ट्रैप्ड है वो कॉफी खत्म करने के लिए। How did you like it? हम पेट पूजा करके सब कुछ खत्म करके अभी अभी से लेकर आए। हाँ, और एक घंटा है जस्ट बोर्डिंग स्टार्ट होने को, और फिर जो और एक घंटा है एक्चुअली फ्लाइट निकलने को। सो आई एम जस्ट गोना एडिट माय ब्लॉग यस्टरडेज़ ब्लॉग और बस मेरे नज़दीक लाता तो बोल देना। ओके, अभी आंटी का तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, सो आई वाज जस्ट सेइंग ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हमारी डेस्टिनेशन पे। नमस्कार, गुड नाइट, स्टे इंस्पायर्ड।